अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बताएंगे कि मोटरसाइकिल का जो ओवरक होता है पेट्रोल, वो क्यों होता है और किस वजह से होता है। तो कार्बोरेटर को हमने जनाब सबसे पहले ये जो स्लैट है ऊपर, इसको खोल लेना है। ये जो एक्सीलेटर है इसके साथ जो रेस कनेक्ट होती है, तो इसको हमें पहले जो स्लैट को बाहर निकाल लेना है। और उसके बाद ये जो दो बोल्ट लगे हुए हैं 8 नंबर के, तो अभी हम जनाब इन बोल्ट को खोल लेंगे। ये दो बोल्ट होते हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में। ये जनाब बोल्ट खोलने के बाद हमने कार्बोरेटर को जनाब हमें नीचे उतार लेना है आराम के साथ। कार्बोरेटर जनाब हमारा अब नीचे आ गया है। ये पेट्रोल वाला पाइप उतार कर जनाब, तो अभी हम इसको दोनों पेस्ट नीचे वाले खोलेंगे डब्बी वाले। तो इसको हमने अच्छी तरह से जनाब जो है ना ऊपर से वॉश कर लेंगे। ऊपर काफ़ी डस्ट वगैरह लगी हुई थी, तो हमने कहा चलो खोलना तो यार, तो इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। तो सबसे पहले जनाब हमने ये जो फ्लूट है इसको बाहर निकालना, न्यूट्रल वाल। ये जनाब जो सिलाई है इसको बाहर निकालेंगे तो न्यूट्रल वाल हमारा इजी से बाहर आ जाएगा। तो ये जो होता है ना न्यूट्रल वाल वाला जो होता है जेट, इसके अंदर जो है बेसिकली मसला होता है, यहाँ पे कचरा आ जाता है। तो शायद आपको कैमरे से नज़र ना आ रहा हो, लेकिन इसके अंदर जो है ना कचरा आ चुका है बारीक सा, जिसकी वजह से ये ओवर कर रही थी। तो अभी हम इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे, साफ़ करके और लगाएंगे, और इंशाल्लाह से ये दोबारा ओवर नहीं करेंगे, ठीक हो गया। और ओवर जिस वजह से होती है, जब आप पेट्रोल डलवाते हो तो आपने हमेशा पेट्रोल बंद करके पेट्रोल डलवाना है। जैसे पेट्रोल खुला हुआ होता है आप वैसे पेट्रोल डलवाते हो, तो पेट्रोल जनाब जो है ना अपनी कचरा वगैरह को नीचे आ जाता है कार्बोरेटर में, और वो ओवर करना शुरू कर देते हैं। तो अभी जनाब हमने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो इसके बाद जनाब ये जेट वगैरह को भी अच्छी तरह से हवा मार लेंगे, लेकिन अभी देख सकते हैं आप इसके अंदर कोई कचरा नहीं है, बिल्कुल साफ हो चुका है। तो अभी इसका जनाब हम जो फ्लूट है पहले न्यूट्रल वाल्व को लगाएंगे इस तरह से, और ये जो सिलाई है ये हमने इसी तरह से आराम के साथ लगा देनी है। और ये जनाब हमारी लग चुकी है, तो इसके ऊपर जो इसकी कॉली है वो हम लगाएंगे। ये कॉली लगाने के बाद जनाब इसके पेच टाइट कर देने, और आपने इसी तरह से इसको वापस मोटरसाइकिल के साथ लगा देना है। और जनाब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और एक बात ज़रूर आप याद रखें कि जब भी पेट्रोल डलवाएं मोटरसाइकिल का जो पेट्रोल है उसको हमेशा बंद करके पेट्रोल डलवाएं। तो दुआ में याद रखना भाई, अल्लाह हाफिज़।